ने कैंसर के इलाज में सफलता का दावा किया है तो कैंसर के इलाज के विषय में जानने से पहले हम जान लेते हैं टाटा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है और इसकी लोकेशन कहाँ पर है तो आइए जानते हैं टाटा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो टाटा इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया के मुंबई में स्थित है और मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 में टाटा ग्रुप ऑफ ग्रुप द्वारा की गई थी और इसके सबसे पहले डायरेक्टर थे होमी जहांगीर बाबा और तो आइए अब चलते हैं हम जानते हैं कि टाटा इंस्टीट्यूट ने कैंसर के इलाज में सफलता का दावा किया है कैंसर अनुसंधान और उपचार सुविधा मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ने एक ऐसे उपचार की खोज करने का दावा किया जो दूसरी बार कैंसर के पुनरुत्थान को रोक सकता था जो कीमोथेरेपी या रसायन थेरेपी की जाती है उसमें भी पचास तक उसके दुष्प्रभाव को कम करने की दावा कर रहा है ये इनकी दस सालों की मेहनत है कीमोथेरेपी होता क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं रासायन चिकित्सा है कीमोथेरेपी एक ऐसा औषधीय उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है कीमोथेरेपी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है केमिकल अर्थात रसायन और थेरेपी अर्थात उपचार किसी को किसी प्रकार की कीमोथेरेपी दी जाए इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस प्रकार का कैंसर है कीमोथेरेपी अकेले भी दी जा सकती है या सर्जरी अथवा रेडियोथेरेपी के साथ भी इस शोध के लिए सबसे पहले चूहों में मानव कैंसर कोशिकाएं डाली गई जिससे उनमें ट्यूमर बन गया विकरण चिकित्सा कीमोथेरेपी और सर्जरी के साथ इलाज किया गया यहाँ पाया गया कि जब ये कैंसर कोशिकाएं मर जाती हैं तो वे छोटे टुकड़े में टूट जाती हैं जिनसे क्रोमोटीन कण कहा जाता है ये कण रक्त स्राव के माध्यम से क्या होता है शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं और स्वस्थ स्वस्थ कोशिकाओं को भी कैंसर ग्रस्त कर देते हैं तो टाटा मेमोरियल सेंटर टी ने अपने शोध में कहा है कि मरने वाली कैंसर कोशिकाएं कोशिका मुक्त क्रोमोटीन कण सी सी एच या क्रोमोसोम के टुकड़े छोड़ते हैं जो स्वस्थ कोशिकाओं कैंसर कोशिकाओं में बदल सकती हैं कुछ सी एफ सी एच स्वस्थ कोशिकाओं स्वस्थ कोशिकाओं के गुड़सूत्र के साथ जुड़ सकते हैं और नए ट्यूमर का कारण बन जा बन सकते हैं तो कैसे होता है इसका इलाज देखते हैं इस टैबलेट की मदद मतलब से इस समस्या का समाधान खोजने के लिए डॉक्टरों ने चूहे की रोवेस्ट और कॉपर आर प्लस सी यू के साथ प्रो ऑक्सीडेंट गोलियों डी है आर प्लस सी यू ऑक्सीजन रेडिकल उत्पन्न करता है जो क्रोमोटीन कणों को नष्ट कर देता है मौखिक रूप से या आर प्लस सी यू पेट में ऑक्सीजन को रेडिकल तो उत्पन्न करता है जो रक्त में परिसंचरण करता है तथा तो क्रोमोटीन कण जो होते हैं ना जो कीमोथेरेपी से निकले हुए थे उनको अवशोषित अवशोषित कर उनको नष्ट कर देता है तो ऑक्सीजन रेडिकल परिसंचरण में जाकर जारी सी एफ सी को नष्ट कर देता है और मेटासेटे शीस को रोकते हैं तो आगे ये क्या करता है तो उस प्रभाव को लगभग पचास प्रतिशत तक कम कर देती है और दूसरी बार या कैंसर को रोकने के लिए तीस प्रतिशत तक क्या है प्रभावी है यह अग्नाशय फेफड़ों और मुंह के कैंसर का भी इलाज में प्रभावी होता हो सकता है टाटा के के डॉक्टरों इस टैबलेट पर लगभग एक दशक से कार्य कर रहे हैं और अब इस टैबलेट को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने भी मंजूरी इस, इसका मंजूरी का इंतजार है और टी आई एफ आर के वैज्ञानिकों ने इस टैबलेट को मंजूरी देने के लिए फसाई के पास आवेदन किया है मंजूरी मिलने के बाद यह लगभग जुलाई तक भारत में उपयोग की जाने लगी अभी इस पर सिर्फ चूहों पर ही इलाज किया गया है अभी इसका मानवों पर प्रयोग किया जा रहा है धीरे धीरे और उसके जो मिलते जाएंगे